तहरीक इंसाफ के यूनिटी वर्कर्स कन्वेंशन में रहनुमा तहरीक इंसाफ अमाद अजहर, सरदार कामिल उमर, उमर सरफराज सीमा, नज़ीर चौहान, अमीन जकी, फारूक जावेद मून, फराज अहमद चौधरी, शुएब सिद्दीकी, नसरुल्ला मुगल, शेख आमिर, डॉक्टर नौशीन हामिद मेराज और नीलम अशरफ समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पार्टी में नए पुराने का फर्क खत्म करने के लिए यूनिटी ग्रुप की बुनियाद रखी गई है और तमाम रहनुमाओं को नजरिए की बुनियाद पर ग्रुप में शमूलियत की दावत दी गई, लेकिन बाज रहनुमाओं ने इसे अपनी अना का मसला बना लिया। सिर्फ वो जो कहते हैं गिरती हुई दीवारों को एक धक्का रह गया, वो धक्का जो है वो 11 तारीख को देना है, गिरती हुई दीवारों को आखिरी धक्का और दो और इंशाल्लाह ताला यूनिटी ग्रुप में हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। 11 तारीख आपकी जीत होगी, तहरीक इंसाफ की जीत होगी, इमरान खान की जीत होगी। एहसन रशीद ने कहा कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में कामयाबी के बाद ऐसे नए पाकिस्तान की बुनियाद रखेगी जिसमें बेरोजगारी और जहालत नाम की कोई चीज ना हो। नया पाकिस्तान वो होगा जिसमें कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होगा। आपको हैरानगी होगी ये सुन के कि पंजाब यहाँ जहाँ पे ये 70 अरब रुपए की एक मेट्रो बस चला रहे हैं मियां साहब, आज पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। मुकर्रीन का कहना था कि तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात बन चुकी है और अब इसका मुकाबला करने के लिए दीगर जमातों को हजार बार सोचना होगा। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42।